और आपको रोम कैसे इंस्टॉल करना है उसके बारे में बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करिए। पावर बटन और वॉल्यूम बटन दोनों को एक ही बार प्रेस कर लेना है। प्रेस करके होल्ड करिए और इसके बाद जो आपका डिवाइस है रिकवरी मोड में जाएगा। तो उसके बाद EMI लोगो आने के बाद आपको क्या करना है, अपने पावर बटन को रिलीज़ कर देना है। अगर आप अपने डिवाइस में TWR पे रिकवरी इंस्टॉल करने के बाद ही ये वर्क होगा। अगर आपको TWR पे इंस्टॉल करना है तो अपने जो फ़ोन का बूट लोडर है आपको उसको अनलॉक करना होगा। तो बूट लोडर अनलॉक करने के लिए मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में आप जाके अपने डिवाइस को बूट लोडर अनलॉक कर सकते हो। और उसके बाद जो TWRP है उसको कैसे इंस्टॉल करना उसके बारे में भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो आप पहले के जो वीडियो है उसमें जाके अपने डिवाइस को आप अनलॉक कर सकते हो और रिकवरी, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो TWRP रिकवरी को आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो TWRP ओपन हो चुका है। इसके बाद आप लोग सिंपली क्या करना है, अपने डिवाइस को यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। और यहाँ पे आपको जो रोम है, आपने जहाँ अपना रोम रखा है वहाँ से उसको क्लिक कर लीजिए। तो इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ और इसके बाद ऐड मोर जिप करना है आपको जो है। यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन जी एप्स, तो यहाँ पे आपको जो है 64 बिट का लेना है और 9.0 का स्टॉक लेना है। तो इसको मैं ओके कर लेता हूँ। दोनों का आपको चूज़ करके इसके बाद तो स्वाइप टू कंफर्म करना है और इसके बाद जो है आपका रोम फ्लैश होना चालू हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो रोम है वो फ्लैश हो रहा है और फ्लैश होने के बाद आपका जो डिवाइस है वो रिबूट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लैश हो रहा है और ये वीडियो मैं कट नहीं करूंगा, आपको बताऊंगा। बहुत बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि जैसे कि फेक वीडियोस बनाते हैं, तो ऐसा कुछ भी फेक नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रोम है, लिक्विड रिमिस रोम है और इसके पास साथ जो है जी एप्स भी मैंने जैसे कि इंस्टॉल किया है। तो अभी ये फ्लैशिंग सिस्टम, जैसे कि अभी लिक्विड रिमिक्स रोम इंस्टॉल हो रहा है, इसके बाद जो है आपका जी एप्स और इंस्टॉल होगा। और स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करके बताऊंगा, जैसे कि वीडियो आपको कट करके नहीं बताऊंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो 67% बैटरी है मेरा और अभी जो टाइम है ऊपर बता रहा है। तो आपका जो है वीडियो एडिट नहीं करूँगा मैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो सिस्टम फ्लैश हो रहा है, जैसे कि डिवाइस हो चुका था ऑफ। और यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लैशिंग सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जी एप्स ओपन ओपन जी एप्स इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉलिंग कोर एप्स, जैसे कि इसके अंदर गूगल के एप्लीकेशंस रहते हैं। तो ये रोम के अंदर आपको एप्लीकेशंस नहीं मिलते हैं, जैसे कि गूगल हो चुका है या तो फिर यूट्यूब और एक्स्ट्रा जो ऐप्स है इसके अंदर नहीं मिलते हैं। तो आपको ओपन जी एप्स लेके इंस्टॉल करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टॉलिंग कोर एप्स और ये भी कंप्लीट होने में आ चुका है यहाँ पे। और स्टेप बाय स्टेप आपको ये वीडियो कट करके नहीं बताऊंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो बैटरी यूसेज, बुक्स और इसके अंदर जो जो एप्लीकेशंस मिलते हैं यहाँ पे इंस्टॉल हो रहे हैं, कैलकुलेटर, कैलेंडर और क्रोम ब्राउज़र। और यहाँ पे आप देख सकते हो सभी एप्लीकेशंस इंस्टॉल हो रहे हैं। तो मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं इसके अंदर मेमोरी कार्ड इंसर्ट करके रखा हूँ, तो मेमोरी कार्ड को मैं निकाल लेता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद आपको क्या करना है, वाइप करना है और वाइप करके इसको स्वाइप टू वाइप करना है। और इसके बाद अपने डिवाइस को रिबूट नहीं करना है आपको। इसके बाद बैक आना है, बैक आइए, यहाँ पे आप वाइप देख सकते हो। इसके बाद और एक बार वाइप कर लीजिए और इसके बाद और बैक आइए। यहाँ पे आपको फॉर्मेट डेटा करना है, फॉर्मेट डेटा करके येस कर लीजिए। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो आपका डेटा जो है फॉर्मेट हो चुका है। और इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली रिबूट सिस्टम करना है, उसके बाद डू नॉट इंस्टॉल। और यहाँ पे आप देख सकते हो आप फोन हो चुका है बूट, जो लिक्विड रिमिक्स रोम है उसका लोगो आ चुका है। तो फोन हो रहा है बूट और मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ और आपको बताऊंगा फोन कैसा होता है सेटअप। और जो ये डिवाइस है सेटअप होने के लिए थोड़ा टाइम लेता है, तो प्लीज वेट कर लो। एक 5 मिनट तक वेट सेटअप होने के लिए टाइम लगता है, तो वेट करके आप अपने डिवाइस को सेटअप कर लो।
और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो जो डिवाइस है वो बूट हो चुका है, और ये इंस्टॉल होने के लिए एक 5 से 10 मिनट तक आपका जो टाइम है वो लेता है, तो प्लीज़ वेट करके आप इंस्टॉल कर लो इसको। और यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टॉल हो चुका है, इसको कर लेता हूँ सेटअप स्टार्ट और स्किप, ओके स्किप कंटिन्यू, ओके नेक्स्ट, ओके एक्सेप्ट, फिंगरप्रिंट को सेट कर लेता हूँ। और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो फिंगरप्रिंट कितना फास्ट है, तो फिंगरप्रिंट ज़्यादा फास्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो सेटअप हो चुका है कंप्लीट, इसके बाद कर लेता हूँ नेक्स्ट। ओके आपको 3 लॉन्चर मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो गूगल नाउ लॉन्चर और पिक्सल लॉन्चर और क्विक स्टेप, तो इसको आपको पिक्सल लॉन्चर को सेलेक्ट करके ऑलवेज कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपका डिवाइस हो चुका है बूट, और जो कि आप देख सकते हो प्री इंस्टॉल्ड ऐप इतने आपको इसके अंदर मिलते हैं, तो ये कौन सा भी फेक रोम नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें आप इसके अंदर आपको 2 कैमरा मिलता है, जैसे कि एक स्टॉक कैमरा और यहाँ पे आपको जो है गूगल का कैमरा मिलता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे आपको लास्ट में मिलता है नाइट स्लाइड का ऑप्शंस। और आपको सेटिंग्स के अंदर जाके बताऊंगा कि जैसे कि रोम कौन सा है, और यहाँ पे आपको अबाउट डिवाइस और लिक्विड रिमिक्स रोम मिलता है, जैसे कि आपको इसके पहले भी बताया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो एंड्रॉयड वर्जन है 9 और दिसंबर का सिक्योरिटी पैच आपको इसके अंदर मिलता है। ये कौन सा भी फेक वीडियो नहीं है, जैसे कि आपको मैं इंस्टॉल करके बताया रोम, और रोम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे मुझे एक सपोर्ट मिलेगा, तो मैं नेक्स्ट ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा।